फ्रेंड्स देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर्स की राइट नाउ, आप लोगों के लिए कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जो अभी भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, बॉटम पे है स्टार। ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा है अभी आपके पार्टनर, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अकेलापन महसूस हो रहा राइट नाउ उनको, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो राइट नाउ। तो यस, आपके साथ फैमिली बनाने के सपने देख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ओके, आपको उनको आपके साथ बहुत शांति मिलती है, यूनियन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशंस हैं उनके अंदर, ठीक है, और हार्ट फेस से गुजर रहे हैं, नाइन ऑफ सोर्ड है बॉटम पे, ठीक है, और आपके साथ एक होना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं हो आप लोग तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, और आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है उनकी तरफ से, इमोशंस हैं, प्यार है, ठीक है, आपके लिए, एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं। अभी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पार्टनर की, आप लोगों के लिए प्यार ही प्यार है, आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि नेक्स्ट सेक्शन क्या है उनका आपकी तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पुराना जो भी उनका कार्मिक कनेक्शन उससे आगे बढ़ के ये आपकी तरफ पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर राइट ना आपको चेस कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको चेस करेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे ये। यस, अपने कार्मिक के लिए इन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, या इनका जो भी कार्मिक रिलेशनशिप था, कनेक्शन था, उससे आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इमोशंस हैं, एक डीप इमोशंस होते हैं ना, वो है, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपको बट ये है कि कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर ये हो सकता है आपको कैसे भी करके मैनिपुलेट करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर इमोशंस तो हैं, बट ये है कि इनको एक्सप्रेस नहीं करना आता, ठीक है, इनको प्यार जताना नहीं आता, तो इनको बस ये है कि इनको सिर्फ कंट्रोल करना आता है। तो भी इन फ्यूचर ये आपको चेस करें, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनको कैसे डील करना है। सो कोई गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस दीजिए इन लोग इनके कनेक्शन के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे है एट ऑफ वैंड्स। फिलहाल आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, अपने करियर पे, करियर की ग्रोथ पे, क्योंकि अगर आप अपने करियर के लिए और खुद के लिए अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो या सेल्फ के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो फिलहाल आपको अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो आपने इतना उनको स्ट्रांगली उसके पीछे नहीं भागना, अटैचमेंट में नहीं जाना, सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। तो फिलहाल आपको डिवाइन खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कह रहे हैं और अपने ऊपर वर्क करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर के अंदर एक नेगेटिविटी है, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी तक वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं आए हैं। तो जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से हील नहीं कर लेते, पूरा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, आपके पार्टनर में चेंज नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी खुद पे वर्क करते रहो, अपने आप पे वर्क करते रहोगे तो इस कनेक्शन में ग्रोथ आती जाएगी।
सो ये है आज की एनर्जीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.